नमस्कार, भारत सुपरफास्ट न्यूज चॅनलवर आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अहमदाबाद दौऱ्यात बांधलेल्या भिंतीविरोधात एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषण. सविस्तर वृत्त पाहूया. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अहमदाबाद दौरा असलेल्या परिसरात झोपडपट्टी राहणाऱ्या गरीब जनतेला त्या परिसरात खाली करून तेथील गरीब नागरिकांना घर खाली करून तो परिसर राष्ट्रपती ट्रम्प यांना भारतातील गरिबी दिसू नये म्हणून त्या परिसराला भिंतीने झाकण्यात आल्याचे उघड झाले असून हे संविधानाच्या विरोधात असल्याचा आरोप करीत त्यांचा निषेध म्हणून आज उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या समोर मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती ठाणे जिल्हा यांच्या वतीने एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. यावेळी उल्हासनगर काँग्रेस पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष राधाचरण कुरोदिया तसेच समितीचे कार्यकर्ते अमर जोशी तसेच पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने अधिक जाणून घेऊ. और उस दीवार के पीछे भारत के देश के नागरिकों को दो हिस्सों में बांट दिया है. दीवार के एक हिस्से के पीछे गरीब है और एक हिस्से के पीछे अव्वल दर्जे का आदमी है. लेकिन हमारा संविधान हमको कहीं बांटता नहीं है. हम भारत के लोग सभी एक हैं और यहाँ हर किसी के ईमान की, हर किसी के सम्मान की पूरी करतूत है. हमारा भारत देश कोई भी नागरिकों को धन दौलत के हिसाब से, जात पात के हिसाब से बांटता नहीं है. तो ये जो दीवार का जो निर्माण किया गया है ये हमारे अंदर बैर पैदा करने के लिए, एक मेक के प्रति नफरत की ये दीवार है. मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि हमारा आज का एक दिवसीय हम सांकेतिक अनशन कर रहे हैं. आज सुबह 9:30 से शाम को 7:30 बजे तक उल्लासनगर महानगर पालिका के सामने कि हर व्यक्ति की, हर भारत के नागरिक की, हर भारतवासी की गरिमा का कद्र होनी चाहिए और हम लोग सब एक है. हमारी एकता को, बंधुता को तोड़े नहीं. और ये जो दीवारें हैं इसका हम पूरा जो विरोध करते हैं और ये किसी के खिलाफ नहीं है. ये हमारा सत्य का आग्रह है कि ऐसी दीवारें हमारे जो अंधकार की तरफ ढकेल रही है. अगर आपको गरीबों से नफरत है, अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो उनकी शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करिए. आज बेरोजगारी एकदम ऊपरी स्तर के ऊपर है. आज धंधों की हालत खराब है, छोटे मध्यम वर्ग धंधों की हालत खराब है. आप उस पर ध्यान दीजिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए. गरीब अपने आप अमीर बनेगा लेकिन इस तरीके की दीवार बनाकर आप गरीबों को छुपा नहीं सकते. और हमारा सभी नागरिकों का सम्मान एक समान है. हमारा संविधान यही हमारे को शिक्षा देता है. आज के अनशन के बारे में क्या बताइए? आज का अनशन ऐसा है कि आज डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं और हमारे देश ने लाखों करोड़ों रुपये दीवार बनाने में लगा दिए. खैर, कोई पैसा शिक्षा या आरोग्य के लिए या बेरोजगारी के लिए करते तो कुछ और बात थी कि हम गरीबी छुपाने के लिए ये क्या क्या नाटक कर रहे हैं. ये कौन सा तरीका है कि हमारे देश को विभाजित किया जा रहा है. एक बात जो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लग रहा है कि कुछ लोगों का विकास बाकी लोगों का विनाश. तो ये कई लोग ऊपर जा रहे हैं, कई लोगों को दबाया जा रहा है, कहीं की आवाज़ छुपाई जा रही है, क्या है? और ये देश ऐसे नहीं चलेगा. ये विकास नहीं है, वास्तविक में विनाश की ओर हम जा रहे हैं. और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को हम निवेदन करना चाहते हैं कि ये बताओ, ठीक है कोई आ रहा है हमारे देश में और हम उनका सम्मान करना चाहिए जैसे वो हमारा करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारा गरीबी है तो है, वो क्यों छुपाना? गरीबों को दीवार के पीछे क्यों धकेलना? उसी के ऊपर ये सोचकर देश आगे की कार्रवाई करे और भविष्य में ऐसी घटना न हो, ये हमारा निवेदन है. पुलिस हवाई अड्डे से इंदिरा ब्रिज को जोड़ने वाले रास्ते के किनारों पर बसी गरीबों की जो झुग्गियाँ थी वो झुग्गियाँ न दिखे, ऐसा काम जो अपने आप को दुनिया का बड़ा आदमी कहने वाला भारत देश का, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने 7 किलोमीटर एक वो लगाई दीवार
दीवार चुनवाई, जिससे कि वो गरीब जो गरीब लोगों की जो झुग्गियाँ है वो दिखे नहीं। ये कितनी निंदानायक बात है, निंदा इसकी निंदा करते हैं। और हम जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग हम सब एक हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, इसकी तुलना भारत में इस तरीके की नहीं होती। इस तरीके का दीवार लगाकर 7 किलोमीटर वो बहुत निंदनीय काम किया है। और ये निंदनीय काम ये छोटा नहीं है, और इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसे आदमी को भारत देश बुला रहे हैं जिन्होंने गरीबों का अपमान किया, गरीबों की निंदा की और गरीबों को कुचलने का काम या गरीबों को ध्वस्त करने का काम उन्होंने किया है। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उल्लासनगर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और जो हमारी आज ये संस्था है इसके तरफ से हम निंदा करते कि ऐसे आदमी को भारत देश में आने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो जिन लोगों ने बुलाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये उनका भी एक षड्यंत्र है कि गरीब लोगों को कैसे खत्म किया जाए, आरक्षण कैसे खत्म किया जाए, आरक्षण जो मिल रहा है उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कोई ना कोई षड्यंत्र करके गरीबों को यहाँ भारत देश से उद्धस करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। और आज डोनाल्ड ट्रंप का हम यहाँ पे निषेध करते हैं। उस तरीके का जो ये मानसिकता यहाँ दिखाई, आज यहाँ पे वोकल कॉल भी किए हमारे अमर जोशी, हमारे जिला के महासचिव हैं, उन्होंने एक दिन का अनशन किया है और इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन है कि जो इन्होंने अच्छा कार्य किया है और जिन झोपड़पट्टियों के झुग्गियों को इस तरीके से निंदा करने का काम या उनका अपमान करने का काम और इनको हक मिले इस तरीके का इन्होंने उपोषण किया, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप का और जो मैं तो मोदी का भी कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को और इनको यहाँ बुलाना जो गरीबों पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, इनका भी हम निषेध करते हैं। धन्यवाद। भारत सुपरफास्ट न्यूज चैनल लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करवा। थैंक यू।